आईटीआई सरकारी नौकरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में जो आपके आईटीआई से रिलेटेड होगा। ठीक है, आईटीआई से रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं उन सभी की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारा नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले प्राप्त हो सके। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे, ये कि एक गवर्नमेंट इंडिया एंटरप्राइज है। ECIL पोस्ट हैदराबाद से ये रिक्वायरमेंट जो है ये जारी की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए इसको हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इस चीज़ को पढ़ लेते हैं। ये लिख रखा है कि कम टीम अप विद ECIL फॉर ए ब्राइट कैरियर। ठीक है, तो देखिए अच्छे फ्यूचर की आप लोगों को ये शुभकामनाएँ दे रहा है। ठीक है, पोस्ट की बात करें तो पोस्ट जो आपकी रहने वाली है ट्रेडमैन बी, ये आपकी पोस्ट रहने वाली है। कौन सी? ट्रेडमैन बी आपकी पोस्ट रहने वाली है। कई पोस्टों पर वैकेंसी जारी की गई है, ट्रेडमैन बी और WG थर्ड। ठीक है, पे स्केल की बात करें तो 20,480 आपका यहाँ पर पे स्केल रहने वाला है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा पे स्केल है। ठीक है, विद एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 3%। 3% आपका हर साल पे स्केल के ऊपर एनुअल जो इंक्रीमेंट है वो लगेगा। तो 20,480 है फर्स्ट ईयर, तो सेकंड ईयर आपकी 20,480 का 3% आप लोग एक्स्ट्रा जोड़ करके आपको पेमेंट मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं किस किस सीटों के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो 5 प्रकार की टोटल आईटीआई के लिए यहाँ पर सीटें रिजर्व की गई हैं। पहली सीट की बात करें तो जो फर्स्ट आपकी रखी गई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल रेडियो एंड टीवी के लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट रखी गई हैं। 11 पोस्ट टोटल आपकी यहाँ पर रखी गई हैं। ठीक है, टोटल 11 पोस्ट आपकी रखी गई हैं। चलिए फीटर की बात करूं तो फीटर के लिए 12 पोस्ट यहां पर रखी गई हैं। इलेक्ट्रीशियन की बात करूं तो इलेक्ट्रीशियन के लिए 3 पोस्ट आपकी यहां पर रखी गई हैं। मशीनिस्ट की बात करूं तो मशीनिस्ट के लिए 10 पोस्ट रखी गई हैं। और टर्नर के लिए बात करूं तो टोटल यहां पर 4 सीटें रिजर्व की गई हैं। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आईटीआई स्टूडेंट के लिए। सीटों की संख्या भी हम लोग अच्छी ज़्यादा बेकार स्थिति नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के डिपार्टमेंट में जो सीटों की संख्या होती है वो 2, 4, 5, 7 और 10 से आसपास ही सीटों की संख्या रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए आईटीआई स्टूडेंटों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो 10वीं के साथ आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए विद NAC। ठीक है, तो इसमें क्वालिफिकेशन की मैं सिंपल सा बात कर लेता हूँ, और आपके पास 10वीं ISSC ITI 10वीं होनी चाहिए, 1 ईयर का रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए सिंपल से शब्दों में यदि मैं बात करूँ तो आपके पास 10th+ITI प्लस में अप्रेंटिस, ठीक है, प्लस में अप्रेंटिस होने चाहिए। यदि आपके पास ये नहीं है तो आपके पास 10th+ITI प्लस में 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इन दोनों क्वालिफिकेशन में भी जो भी आपके पास है उनसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। 10वीं के साथ ITI तो आपके सभी के पास है, लेकिन या तो आपके पास अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट हो या फिर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिलेटेड किस फील्ड में? तो मैनुफैक्चरिंग प्रोसेसिंग में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट की बात करूँ तो 28 ईयर एज लिमिट है। बाकी आप जानते ही हैं कि गवर्नमेंट के अनुसार जो भी रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। ठीक है, मैं बात करूं यदि इम्पोर्टेंट डेट की, तो इम्पोर्टेंट डेट देखिए आप लोग, सबसे अधिक इम्पोर्टेंट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होंगे आपके 4/6/2022 से आपके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट डेट आपकी जो रहेगी वो 25/6/2022 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और रिटर्न एग्ज़ाम डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन ट्रेड टेस्ट के लिए आप लोग इसके कैरियर के ऊपर जाएंगे, ECIL के ऊपर। ठीक है, तो यही वीडियो में, इस नोटिफिकेशन में यही चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो तक वीडियो को पहुंचाइए, जिससे कि सभी ITI स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए ITI चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स। जैसे ही इसका जो ऑनलाइन वीडियो है, जैसे ही ऑनलाइन स्टार्ट होगा ये 4 तारीख को, तो हम इसका ऑनलाइन वीडियो बना करके किस प्रकार से आप लोग फॉर्म को फिल करें तो उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।